कितने साल से गणपति बिठा रहे हो आप लोग? मुझे नहीं पता। अच्छा भाई, कोई आइडिया नहीं, बट इनके जो ग्रुप आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। पप्पा के आगमन में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये गाइस बरसात यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो सबको जय श्री राम पहले। और भाई ये रवि भाई है, और ये इनके मतलब आज मैं ना गाइस डीकेएम हॉस्पिटल आया हूँ, जहाँ से बड़े बड़े आगमन शूट होते हैं। तो गाइस आप ये देख सकते हो, मैं भाई थोड़ा दिखाइए, ये गाइस ये देख रहे हो, मैं ना थोड़ा बरसात के कारण मैं आयसर में आ गया हूँ रवि भाई के। तो ये गणपति बाप्पा को आज यहाँ पर आगमन होने वाला है, आगमन 9 बजे से स्टार्ट होगा, और ये मंडल वाले लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इन लोग है ना गाइस 2 साल से मतलब गणपति बाप्पा बिठाते हैं, तो आगे की जानकारी मैं उनके मंडल वालों से लूंगा। और इस बार रवि भाई मतलब भाई क्या है पीछे? डीजे भाई, डीजे बहुत हैवी डीजे। और रवि भाई को यहाँ से मतलब होते गोलवाड से धीरे धीरे संग्रामपुरा की ओर जाना भाई, तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। धीरे धीरे मतलब आगमन है गणपति बाप्पा का, तो धीरे धीरे जाने देंगे भाई। और रवि भाई क्या बोलना चाहते हो? बस कुछ नहीं, पीछे डीजे रखा है, लोडेड है। अच्छा, धीरे धीरे आपको धवल भाई पीछे लेके जाएंगे, उसके बाद डीजे का छोटा सा शूट होगा। तो भाई रवि भाई मेरे फ्रेंड है, तो भाई मेरे को मिल गए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम रवि भाई। श्री राम, जय श्री राम। तो अभी ये भाई रवि भाई धीरे धीरे मतलब आगे ट्रक को बढ़ाते रहेंगे, हम लोग पीछे बप्पा के आगमन शूट करेंगे। और ये ब्लॉग में आपको बहुत ही मजा आएगा। देखो 29 आज डेट है मेरी, अभी शेड्यूल होने वाली सब आगमन, मैं धीरे धीरे सारे आगमन कैप्चर करते जाऊंगा, ठीक है। बहुत ही मजा आएगा। अभी यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि बप्पा के मतलब ये थोड़ा सा और नजर, हाँ देख सकते हो यहाँ पर लाइट चालू करके, अभी थोड़े ही टाइम में आगमन का मतलब मैं शूट दिखाऊंगा, और भव्य आगमन यहाँ पर होने वाला है। ढोल डीजे केमचे सूरज सब आएगा, बहुत मजा आएगा। बोले गणपति बप्पा मोरिया। गाइस आप ये देख सकते हो यहाँ पे ट्रॉली अभी यहाँ पे प्रॉपर सेट करेंगे, ये क्योंकि मंडल वाले आगमन चालू होगा। एक नंबर। अभी ये पूरा रास्ता ब्लॉक होगा गाइस। अमीर है सूरत का सबसे पहला आगमन मेरे चैनल में आपको दिखने मिलेगा। इससे पहले मेरे कोई आगमन नहीं छूट गया है, ठीक है। अभी मैं मंदिर का नाम पूछ रहा हूँ भाई, आपके मंदिर का नाम गणा दिशा है। तो भाई गणा दिशा है, और ये कहाँ के राजा है? ये हमारे संग्रामपुरा डेसाई शहर के राजा है। तो ये आपका कितना वर्ष है? क्या कितना वर्ष है गणपति का? ये हमारा दूसरा साल है। तो गाइस आप ये देख सकते हो भाई लोग का दूसरा साल है, और बहुत भव्य आगमन होने वाला है। कितने फुट की मूर्ति है सर? ये हमारी 17 फुट की मूर्ति है। 17 फुट की मूर्ति है। और आपके मंडल में कितने लोग हो सकते हैं? हमारे मंडल में अप्रोक्स 70 लोग है यार, और बहुत हैवी कपड़ा पहने इन लोग ने, आप देख सकते हो। और गणपति बप्पा भी बहुत ही मस्त है। अभी इनका है ना थोड़े ही टाइम में आगमन होगा, अभी इंटरव्यू अभी चालू है, और भव्य आगमन होगा। ढोल ताना डीजे सब है ना सर?
यहाँ पे देख सकते हो पूरा भव्य आगमन हो गया है इनके पप्पा का, और अभी हाथ चलाया जा रहा है। बहुत ही मस्त लगा आगमन देखकर, बहुत ही यहाँ पर पब्लिक देखिएगा, बहुत पब्लिक आई है। तो यहाँ पर हमें देख सकते हो गाइस अभी आतिशबाजी होगी जबरदस्त वाली। अभी आरती भी हो चुकी है, अभी यहाँ पर है ना धीरे धीरे पापा को आगे ले जाएंगे, फिर नाच गाना सब होगा। और यहाँ पर सब्सक्राइबर है भाई, कैसी लगती है वीडियो? अच्छी लगती है। भाई ने मेरे को सब्सक्राइब किया और मैंने भाई से भी एक शॉर्ट वीडियो का वीडियो मांगी है, क्योंकि मैं एक शॉर्ट नहीं ले पाया, लॉन्ग वीडियो ले रहा हूँ ना, बहुत मजा है भाई, बहुत मजा आता है कि नहीं ब्रो? तो दोस्तों आपने देखा ना भव्य मूर्ति का भव्य आगमन हुआ है, बहुत भव्य तरीके से गाइस, बहुत ही मजा आई आगमन देखकर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इनकी मूर्ति ऐसा लग रहा था बॉल उठने को कर रही थी गाइस, डीजे ढोल ताशा सब कुछ है गाइस। इन लोग अभी अपनी इनका जो मूर्ति है ना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है इनके पंडाल की तरफ, मतलब ये संग्रामपुरा की मूर्ति है, संग्रामपुरा का राजा। बहुत ही मजा आया गाइस मेरे को। अगर आपको ये ब्लॉग में मजा आया तो ब्लॉग को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ये नीचे बेल आइकन आ रही है इसे प्रेस करना है, ताकि मेरी हर एक ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बोलो गणपति बप्पा मोरया।